अब हम फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास 1 टेस्ला है, विद वेलोसिटी 5.0 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो इतना लगेगा 9.0 × 10⁻¹⁴ न्यूटन। तो ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब बी। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास ऐसे मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम थोड़ा सा समझे इसको, तो ये हो गया, मान लो ये कंपोनेंट बन गया, जो फार्मूला निकालने के लिए बनाते हैं वो एफ, ये हो गया हमारे पास बी। तो कुछ फोर्स हमारे पास ये होगा क्यू वी क्रॉस डी, इस क्रॉस को हटाने के लिए हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड, वो है हमारे पास 1 टेस्ला, फिर है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 5.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, फिर हमें निकालना है फोर्स। तो इसने दिया है कि इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हमें निकाल के देखेंगे कि इतना करेगा या नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो तो पता ही है। तो अब लिखते हैं हम फोर्स F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। अब हमें यह पता है कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है, दोनों की दोनों, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो हमारे पास वो पैरेलल है, तो थीटा हमारा कितना हो गया 0 डिग्री। और हमें पता है कि भाई साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, तो एफ जो है हमारा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो कितना आएगा बी क्यू वी इंटू 0, तो टोटल जो फोर्स आया हमारे पास वो कितना आया 0। तो ये जो है हमारे पास ये है फॉल्स, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स का वो कितना आएगा 0, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू। खत्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये हमारे पास गोजला फोर्स मैग्नेटिज्म, जो गोजला है मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, वो सुगेस्ट करता है दैट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, कि मैग्नेट है वो मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले हम मोनोपोल समझ लेते हैं थोड़ा सा, मोनोपोल क्या है, मोनोपोल हमारे पास क्या है, मोनोपोल एक मैग्नेट है, जो हमारे पास कोई भी मैग्नेट वो एक पोल एग्जिस्ट करता है, वन पोल एग्जिस्ट करता है, जैसे या तो नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा विदाउट साउथ पोल के, या फिर इसका उल्टा। मोनोपोल का मतलब है कि कोई भी मैग्नेट, या तो ये हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जिस जो सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी है, तो या तो नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होगा बिना साउथ पोल के, या फिर साउथ पोल एग्जिस्ट होगा बिना नॉर्थ पोल के। तो इसका मतलब यही है कि गोसला जो मैग्नेटिज्म का, वो सुगेस्ट करता है कि भाई कोई भी मैग्नेट है जो मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास गोजला क्या कहते हैं, गोजला कहता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगी, क्लोज लूप की 0 होगी, ठीक है, मतलब अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो क्या होगा, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या करती है, क्लोज्ड लूप, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो किसके अंदर होती है, क्लोज्ड लूप के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, क्लोज्ड लूप
अगर ये क्लोज्ड लूप के अंदर है तो ये कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास ये क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो ये हमारा आंसर है इसका क्या होगा, फॉल्स। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास मोनोपोल, सबसे पहले मोनोपोल का पता होना चाहिए। मोनोपोल के अंदर एक पोल तो जरूर जरूर एग्जिस्ट होगा, बट जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है अकॉर्डिंग टू गोजला वो क्या है, एक क्लोज लूप के अंदर होती है। तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि वो कोई भी पोल एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक, कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अटेन्स ए सैचुरेशन, वो एक सैचुरेशन वैल्यू को अटेन कर लेगा ऑफ वेरी लो टेम्परेचर एंड हायर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, टेम्परेचर लो है और मैग्नेटिक फील्ड हायर है। तो अब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसने कहा कि एक सैचुरेशन वैल्यू को वो अटेन कर लेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो सबसे पहले हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पिन करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, टोटल जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नेट, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उसके पास एक दो तीन कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उसका नेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जैसे हमारे पास कोई ये है, तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक डाइपोल वो क्या होगा, रेंडमली अब हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटाइज करते हैं। हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जो ये है, तो ये जो इसके डाइपोल है वो क्या होगा, जो मतलब जो ये इसकी ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी। कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एक डायपोल एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट बन गया। तो जो ये मैग्नेट बना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की है। अब अगर हम बात करें कि इसका अगर मैं टेम्परेचर राइज करूं तो क्या होगा, वापस इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दोबारा क्या होगा, ये रैंडमनेस में आ जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन वैल्यू, अब सैचुरेशन वैल्यू देखते हैं थोड़ा सा। सैचुरेशन वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मटेरियल के ऊपर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और टेम्परेचर मैंने रखा लो, टेम्परेचर कर दिया लो, तो सैचुरेशन वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जब हम क्या करें कि कितने भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम सैचुरेशन वैल्यू बोल सकते हैं, कि और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, चाहे हम कितनी भी उसके स्ट्रेंथ अप्लाई कर दें। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्यूरिला क्या बोलता है कि जो स्काई है हमारे पास वो क्या होगी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास टेम्परेचर के। जो ये होगी हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास टेम्परेचर के। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। ठीक है, इस बात का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है कि मटेरियल को, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास मान लो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर हमने क्या की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। ये हमारे पास क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इस बात का मतलब क्या है, ये जो हमारा है क्वेश्चन है ये ट्रू है,
ठीक है, क्यों है, क्योंकि भाई हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब सैचुरेशन वैल्यू लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसने बोला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट ठीक इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। मतलब क्या है कि स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है वो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज में, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो करंट को हाई करंट में। तो ये कंडीशन पूछी है इसने, सच है नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज की, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारे पास। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब है ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास कॉइल है, इसका हमने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल ठीक है, और इसके अंदर जो टर्न है वो कितनी है, N1। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉइल की। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो हमारे पास क्या है, ये कॉइल है, ये हमारे पास इसकी जो टर्न है वो कितनी है हमारे पास, N2। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो N1 है वो है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल। फिर जो N2 है वो मान लेते हैं हम नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न होगी प्राइमरी कॉइल में वो कम होगी सेकेंडरी से। मतलब जो ये है स्टेप अप, तो यहां पर लिख दिया जैसे कंडीशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो क्या होगी, जो हमारे पास ये होगी ये से ग्रेटर देन होगी। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न होगी वो ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें स्टेप डाउन का मतलब होगा कि जो प्राइमरी कॉइल है वो ज्यादा होगी और जो सेकेंडरी कॉइल है वो क्या होगी, इसके अंदर कम होगी ठीक है। फिर हम बात करते हैं EMF की। तो इसका जो EMF है वो मान लिया हमने E1 और इसका जो EMF है वो मान लिया हमने E2 ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं जो ये E1 है वो है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी कॉइल और जो E2 है वो है हमारे पास EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गया हमारे पास। अब फैराडेला, तो फैराडेला क्या है कि जो EMF प्रोड्यूस होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा था ठीक है, उसको हम कुछ ऐसा था EMF है वो d∅ by d रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ये था। तो और इसको हम ऐसे करते थे फिर माइनस N d∅ by dt, N का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न थी कॉइल की। तो अब हम बात करते हैं इसका, तो फैराडे के अनुसार दोनों का लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है, ये है ये। तो इसके वजह से क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट E2 है जो वो ग्रेटर देन होगा E1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ठीक है। मतलब ये लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज से किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, हाई वोल्टेज, क्योंकि जो EMF है इसका वो क्या हुआ हमारे पास, ज्यादा हुआ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स है। और इसका रीजन क्या है, ये है इस प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसने बोला हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है ये, इट्स वेवलेंथ इज दिस 0.5 meter। तो हमें बताना है कि इसकी जो वेवलेंथ है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं कैसे, हमारे पास जो ये इक्वेशन, इसको हम कंपेयर कर देते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की
जो इक्वेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। के का मतलब यहाँ पर क्या है, वेव वेक्टर। के का मतलब क्या, हमारे पास वेव वेक्टर। तो हमने क्या लिखा, के वेव वेक्टर। तो के का मान क्या होता है, 2π/λ। हमारे पास के क्या है, हमारे पास 2π/λ। अब के का मान कितना है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, के की जगह पे हमारे पास क्या है, 10π इज इक्वल टू 2π/λ। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, तो लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास क्या है, 0.2 मीटर। लैम्डा हमारे पास क्या है, 0.2 मीटर। अब देखो इसने क्या बोला था, 0.5 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर फॉल्स। तो ये हमारे पास, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर आया। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।